एगार नंबर जोन को अपराजिता बैक रोड शो देखि भट्ट मधे उत्कंठा वृद्धि पाई प्रमोदराई सपक्ष में मदामत जापर बोली साधारण चर्चा निमापड़ा निर्वाचन मंडल गोप ब्लक अधीनस्थ एगार नंबर जोन को आज अपराह भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी आगमन पर भट्टों मधे उत्कंठा देखा मिली समग्र राज्य श्रेष्ठ और लोकप्रिय सांसद भाभी षडंगी बेस जनाशुना 29 तारीख में गणेशपुर पेट्रोल पंप ठारु अपराजिता को एक खोला जीप मधरी शताधिक बाइक और कार आदि हजार हजार समर्थकों सहित एगार नंबर अधिकांश पंचायत को परिक्रमा करते बीजेपी वरिष्ठ युवनेता दिलीप नायक और बीजेपी राज्य उपसभापति प्रभाती परिडा तसहित पूर्वतन बीजेपी प्रार्थी निरंजन महापात्र एगार नंबर जोन प्रार्थी प्रमोद राय तपस्विनी बेहरा राजकिशोर नायक शिवप्रसाद स्वईं लोक प्रभुत्व नेतृत्व में हजार हजार संख्यार अपराजिता प्रेमी स्वतः प्रात भाई बैक राली जोगद विभिन्न स्लोगान मध्य अपराजिता को स्वागत करते एकाधिक पंचायत को रोड शो मध्य प्रमोद राय भोट भिक्षा करते देखापी पंचायत साहिर गाँ रास्ता ठारु मुख्य रास्तार उभय पार्श्वे हजार हजार संख्यार महिला पुरुष पिलाठारु वयस्क व्यक्ति मैंने घंटा घंटा धरी अपेक्षा करते आज रोड शो एगार नंबर जोन एक बड़धरण परिवर्तन हो पारे बोली साधारण चर्चा होर प्रभाव में शासक दल प्रार्थी और स्थानीय मंत्री अनुगामी मान वर्तमान विचलित पड़ते हुए तो राली को काउंटर करने शिक्षामंत्री द्वारा एक रोड शो करोचना आज जनसमुद्र कार्यक्रम को देख एक बड़धरण परिवर्तन होगा सुनिश्चित बोली साधारण भोटरों मध्य धर्मेन्द्र साहू आत्महत्या घटना पर निश्चित भाव बीजेपी जैक चैलेंज बीजेपी से चैलेंज किभरी भाव निर्वाचन बैतरणी पार हम बीजेपी आपर आज जनसमर्थन आपको जितने कौन से असुविधा दबन जब प्रतिपक्ष भोट दिखे आप जितने आगे शासक दल रही कौन से अलग प्रकार खेल राज्य मतलब हुए तो आप प्रस्तुति नहीं देखो साधारण लोक जो भाव दुष्कर्मी सरकार को बदल चाहते ये धारा कहीं भी अटकई पारे ना आपण कहते जे कि पैसा पत्र से लोक को दे भोट कि चक्कर अच्छा से मैंने जो भोट टंका उपार्जन करो कला पैसा उपार्जन करपा धन नुहे यही साधारण लोक पैसा साधारण लोक पैसा ने फुल चेन भोट दे आमे पूरा प्रस्तुति आम आज से सांसद अपराजिता महांति महोदय आसुचंती अपराजिता षडंगी महोदय आसुचंती से साधारण लोक जनइबे से ये दुष्कर्मी सरकार को तुरंत हटा जाऊ एवं सुशासन सरकार डबल इंजिन का काम करते पांच हजार ऊर्ध भोटे जीत आशावादी बर्तमान सुधा जितने परिस्थिति थे भी पूर्वरात खेल बर्तमान शासक दल को भय लगे से आप प्रकार प्रस्तुति नहीं देखो समस्त खेल खेलिक बर्तमान भारतीय जनता पार्टी आविर्भाव कर इलेक्शन ओपनर बैट्समैन ये अच्छा ओपनर बोलर अच्छा आज भल अंपायर ये अच्छा आशा करूँ विश्वास रखुच्छी भारतीय जनता पार्टी निश्चित बहुत बढ़िया स्कोर कर जितब बाउंड्री बाहर ही छकाटा मार आपण मध्यम कहवाक चाहे
ଯିଏ କେବଳ ଟେଲର ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏଗାର ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଠି ପଦ୍ମ ଜିତିବ, ପ୍ରମୋଦ ରାହିଙ୍ଗ ଜିତିବେ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେବ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଶାସନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମୁଠାରୁ ଛଡ଼େଇ କରି ଆଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜୟଲାଭ କରିବ। ଆଉ ବ୍ୟବଧାନର ବହୁତ ବ୍ୟବଧାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜୟଲାଭ କରିବ ଆଉ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖାଇଦେବ, ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଜାଗ ଅଛି ଏବଂ ପଦ୍ମକୁ ଆମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସଦସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଉ ମାତ୍ର 4-5 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ସଂଘର୍ଷ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସତର୍କତା ସହିତ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଜିତିବୁ, ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ହିଁ ଜିତିବୁ। 2024 ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ହିଁ ଫୁଟିବ, ନିମାପଡ଼ା ଜିତିବା ହିଁ ଜିତିବ ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା ମାଟିକି ସମ୍ମାନ ଦିଆ ହିଁ ଯିବ। ଏଇଟା ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିନୁ, ଏଠାରେ ସମଗ୍ର ନିମାପଡ଼ାବାସୀ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜୟଲାଭ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ରାହିଙ୍ଗ ଜିତିବେ।